पान खा लिया, मजा आ गया। बेल्मोपान कैपिटल ऑफ बेलीज। कस्टमर आता है उनको होली का रंग लगाते हैं। दो दो इंडियन रेस्टोरेंट, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये एक्चुअली बेलीजियन नहीं है, ये अपने इंडियन है यार। मैं साउथ का तमिलनाडु से आया था, मेरे को 15 साल इधर हो गया। दो बार बात होता है। मम्मी यार मिस करता हूँ बहुत। कितना दिन जाने का प्लान है? भाई तो बोल रहे भाग जाएगा। अभी इधर सेट हो गया। सही है। लेट्स एक्सप्लोर सेंट्रल अमेरिका। बेलीज, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। इस सीरीज में दिखाने वाला हूँ मैं पूरा सेंट्रल अमेरिका, जहाँ पे मैंने रोड ट्रिप किया था टोटल 80 दिन और स्पेंड किया 1 लाख से भी कम, और देखे 7 सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज सारे बाई क्रॉसिंग लैंड बॉर्डर्स एंड हैविंग फन ईटिंग एंड एंजॉयिंग एंड पार्टिंग। सो लेट्स एक्सप्लोर सेंट्रल अमेरिका विद योर एक्सप्लोरर राजा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है बेल्मोपान में। आज हम लोग सुबह के 9 तो बज गए पर रात को लेट से सोया था। तो सुबह मैंने होस्ट का मैसेज आया था कि तुमको बेल्मोपान जाना है, वैसे तो पास ही है 20 किलोमीटर, बट मैं बोला हाँ, तो बोला 5 मिनट में आ जाओ। तो मैं सो रहा था तो ब्रश भी नहीं किया, आ गया मैं यहाँ पे। अभी एक मार्केट है, फार्मर्स मार्केट, हर ट्यूजडे और हर फ्राइडे को होता है शायद, और हर कोई अंग्रेजी में बात करता है। यहाँ पे सब्जी वब्जी सब बिक रहा है, यहाँ पे कपड़े भी है बहुत सस्ते में, बट लेना नहीं है मेरे को, देख के लग रहे नए तो नहीं, सेकेंड लग रहे। तो भाई सुबह मार्केट में कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था, कॉफ़ी पीते हैं, यहाँ से पूछते हैं। कैन आई गेट अ कॉफ़ी? कॉफ़ी? हाँ, वन कॉफ़ी प्लीज। यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पीते हैं सुबह सुबह बेल्मोपान में, बेलीज के कैपिटल में। आज कॉफ़ी भी पी लेते हैं। कॉफ़ी भी दिया इन्होंने, बट मेरे को खुद बनाना पड़ा, सिर्फ गर्म पानी दिया और दिखा दिया बोलो बना लो। ये पड़ा $1 का, एक बेलीजियन डॉलर का, यानी कि 38 इंडियन रुपीस का हो गया आसपास। मतलब ये शहर इतना छोटा है, आपको क्या बताऊँ, ये कैपिटल है। लोग बोले कैपिटल सिटी, कैपिटल सिटी, सिटी तो है ही नहीं किसी मामले में, ये है छोटा सा शहर। इसका पॉपुलेशन है सिर्फ 80,000। पूरा तो दिखाऊंगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि देखने लायक कुछ है नहीं, पता नहीं क्या है, कुछ देखने लायक है। बस वॉक करूँगा थोड़ा बहुत सेंटर से, मार्केट से निकलने के बाद, और यही रहेगा आप लोगों के लिए बेल्मोपान कैपिटल ऑफ बेलीज। देखेंगे चीज़ें कितने थोड़े महंगे हैं, ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करेंगे। कॉफ़ी खा के निकल गया, अभी पता नहीं कहाँ पे जाना है, क्योंकि मैं मैप पे चेक करा था तो बेल्मोपान का कुछ सेंटर टाइप का दिख ही नहीं रहा, तो ऐसे ही रास्ते में चलूँगा। क्योंकि सब ने बताया कि ये शहर बहुत ही सेफ है, बट जितना भी सेफ हो एम्प्टी रास्ते पे नहीं जाना है, दिन में हो या रात में। तो ये है इसका बस स्टेशन, वो मार्केट भी यहाँ से सिर्फ 5 मिनट वॉकिंग पे था। यहाँ पे बस है, यहाँ पे छोटे टैक्सीज है। मेरे को तो पूरे बेलीज में से बड़े बसेस दिखे थे, बाकी छोटे ट्रांसपोर्ट भी है यहाँ पे। और यहाँ पे चलते चलते मुझे दिख गया एवरेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट, महाशिवरात्रि मेडिटेटिंग कुछ तो लिखा है यहाँ पे। देखते कौन सा वाला अपना इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे, अभी कुछ रेस्टोरेंट से।
ये भी इंडियन रेस्टोरेंट है, ये भी क्या इंडियन रेस्टोरेंट है, दोनों सेम लग रहे हैं, ये अलग अलग है। बगल में दो दो इंडियन रेस्टोरेंट, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इंटरेस्टिंग है। नमस्ते भाई साहब, गुड। Yeah, I'm just a tourist traveling around the world. Oh, and good. So, good to see which part of the, which country you are from? From India. Armenia, into Europe? No, India. India, which part of India, sir? Kolkata. Kolkata, Varanasi, huh? Are you? Yes, I have some Bangladeshi. Yeah. I met a lot of Bangladeshi guys around, especially the bus stops, bus terminal in every city. Cool. And what part of India are you from? Are you from India? No, I'm from India. Nepal? Ah, Everest. Inside, yeah. Ah, which part of Nepal are you from? Yeah, Darjeeling. You know? Ah, Darjeeling. So, aake bhai, subah subah chai mil gaya. Agar pata hota to pehle coffee nahi pita main. But ye apne Nepali bhai hai. Aur yahan pe kitne saal se dhanda, for how many years you are having business here? This is almost like 8 years they make it, but I mean 16 years in this country. Did you hear about Belize before 16 years? That's not really. Right, I came for one process. They brought me in. So you used to think that it's part of the Africa or somewhere, you know? Part of Africa? Yeah. How did you end up here? What's that? How did you end up? No. It's just a fun story. तो ये है राज भाई, और राज भाई जब भी कोई कस्टमर आता है उनको होली का रंग लगाते हैं। तो मैं बोला इनको, मैं टॉयलेट गया था तो मेरे को लगा यार रंग कैसे लगाए, आज होली थोड़ी है। होली के रंग नहीं है, सप्तरंगी बोलते हैं उसको। क्या कहते हैं? सप्तरंगी मतलब सप्तरंगी मालूम नहीं, सात रंग हाँ, सप्तरंगी बोलते हैं इसके। बोलते प्रतीक होते हैं ये, क्या शांति, नेपाली कल्चर में कि सबको ऐसे लगाते हैं, कोई लगाते हैं, हम लोग के कल्चर में हम लोग यार आनंदमय होते हैं सबके। बहुत इंटरेस्टिंग है, सप्तरंगी और कोई मना नहीं करता, सबको लगा लेता खुश और आके ही पहले चीज चाय, बहुत बढ़िया है। तो उधर नेपाली भाई के दुकान से आके अभी साउथ इंडियन भाई के दुकान पे, और इनको देख के लगता है ना ब्राजीलियन पूरा इधर का है, क्या कहते हैं, बेलिजियन है। भाई बात करो, थोड़ा बात करो, हेलो हिंदी में बात करो। हाँ क्या बोलो, अरे क्या बोलो, बोल दिया ना। तो ये एक्चुअली बेलिजियन नहीं है, ये अपने इंडियन है यार। मैं साउथ का तमिलनाडु से आया था, मेरे को 15 साल इधर हो गया। हाँ बेलिज में इधर शादी करके बच्चे भी हो गए, सब हो गए, दो बच्चे हो गया, पूरा इधर अब बेलिजियन बन गए प्योर। हाँ यार क्या, इन लोगों का साथ बात करता हूँ, सिखाया भाषा, सिखाया भाषा इंग्लिश ही तो है, नहीं क्रियोल होता है ना उन लोगों का। उन लोग अलग इंग्लिश भी है लेकिन क्रियोल भी बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं। स्पेनिश आता है स्पेनिश आपको? ज्यादा नहीं लेकिन अंडरस्टैंड आता है। अच्छा तो यहाँ पे पास में दुकान है इनका भी, ये भी खाना बेच रहे और मजे में है। बट कर जाना है? हाँ अगले साल में कर जाऊंगा, मम्मी को मिलने का। मम्मी को मिलने का ना, मम्मी से डेली बात होता है ना? हाँ रोज बात, वीडियो कॉल पे। हाँ रात सुबह बात करते हैं, रात को सोने का पहले भी बात करते हैं। जब उठते हैं वो लोग उधर सुबह होता है, रात होता है, रोज दो बार बात होता है। मम्मी यार मिस करता हूँ बहुत। तो हम लोगों ने आज तक जितने भी जगह गए हम लोग बस साउथ इंडियन आईटी वाले देखे, बहुत आईटी वाले देखे, बट ये मेरे एक्सपीरियंस में फर्स्ट या सेकंड टाइम होगा कि साउथ इंडियन बिजनेसमैन में दिख गया अपने साथ। और भाई का नाम एकदम शेखर, कहाँ गया भाई? दूसरा उधर वो वाला शेखर इंडियन रेस्टोरेंट बेलमपान। यार मैं तो बता रहा हूँ, आप लोगों ने तो बेलिस का नाम सुना भी नहीं है, बार बार बता रहा हूँ, बट देखो यार कितने सारे लोग हैं। बेलमपान में ऐसे घूम रहा था और बगल में दो दो दुकान मिल गए, अभी बातें हुई, बहुत मज़ा आया। और इनका स्टाफ है एक मायान, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, एलेना। एलेना, सो व्हाट इज द मायान फूड?
How do you make that thing? It's like a stew or? Like a soup. Soup. Make a soup with caldo. All herbs. Mm-hmm. तुम जैसे मेक्सिको में हम लोग गए थे चिस्नेस्ना में वो पुराना मायन रुइन है वैसे इस एरिया में बहुत मायन लोग रहते थे आपको बेलीज में इस साइड में मिल जाएंगे और फिर हम लोग आगे जाएंगे ग्वाटेमाला उधर भी बहुत सारे मायन रूइंस मिलेंगे एल साल्वाडोर और होंडुरस तक मायन मिलेंगे उसके बाद निकारागुआ पनामा कोस्टारिका में नहीं है तो ये जो सेंट्रल अमेरिका का नॉर्दर्न पार्ट है और मेक्सिको पकड़ के ये पूरा मायन लोग से भरे पड़े हैं और अभी कम है अभी तो बहुत आगे बट ये एक्चुअली पुराने ऑथेंटिक लोग हैं यहाँ के बाकी बातें चलेगी अपने शेखर भाई के साथ थोड़ी देर और फिर जाएंगे बाकी का बेलमोपान एक्सप्लोर करने तो सॉल्ट रॉक है ना ये सॉल्ट रॉक के ऊपर दिया बन गया और उधर है अपना गणेश जी भाई दिया मतलब ढूंढ के भी आपको नहीं मिलेगा इधर सब हर कोई कैंडल यूज करता है बट इंडियन है बेलमोपान में वेलकम टू बेलीज बेलीज में आओ तो यहाँ पे अभी समोसे तल रहे मेरे को समोसे देख के लगा कि नहीं समोसे खाना ही पड़ेगा तो तल रहे गरम तेल में समोसे खाएंगे क्या अंदर से आलू आलू धनिया का पत्ते वो पता हाँ और ये जीरा है मटर है मसाला है चलो अभी आएगा प्लेट में तब देखेंगे हरी चटनी है क्या चलो वाला काया में एक बंदा सुनील मेरा पिक्चर खींच के वो अपना अपना नंबर डाल के तो भाई ने समोसा बनाया है शेखर समोसा इन बेलीज अभी मैं लास्ट समोसा शायद सैन फ्रांसिस्को में खाया था तीन महीना हो गया और अभी खाता हूँ मैं आप लोगों के साथ माय प्लेजर बोलते ना इंग्लिश में माय प्लेजर बहुत बढ़िया भाई आपका नाम कुणाल क्या करते हो यहाँ पे काम सेल्स पर्सन में सेल्स पर्सन का काम क्या चीज क्या बेचते हो अच्छा मेरा रेकॉर्ड कर रहे हैं बता दो सही मास्क पहने हो ना रॉ नहीं आएगा पूरी तरह मास्क पहने क्या क्या सेल करते हो यहाँ पे ग्रोसरी सेल करते हैं अच्छा इंडिया से आता है क्या माल इंडिया से आता है यूएस से आता है अच्छा सही है मेलबोर्न में कितने साल हो गए मैं बिल्ली सिटी में रहता हूँ डेंजरस है सब बोलते हैं डेंजरस है भागो बिल्ली सिटी से अभी मार दिया इंडियन को अरे हाँ कितना दिन रहने का प्लान है भाई तो बोल रहे भाग जाएगा अभी इधर सेट हो गया सेट हो गया सही है चलो हम लोग समोसे खाते हैं और बातें चलती रहेगी इतना बात सुन के आप क्या करोगे आपको दिखाते हैं बाद में 10 बजे आया था अभी 2 बज गए दो दुकानदार के साथ बात करते करते मन भर गया और चाय पिया समोसे खाए खाना नहीं खाया खाना भी खा लूँगा बाद में आके मज़ा आ गया बस मज़ा आ गया रहूँगा यहाँ पे 3-4 बजे तक थोड़ा बहुत सोचा अभी बेलीजेंस भी दिखा दूँ फिर 3-4 बजे के बाद निकल जाऊंगा अभी मेरे पीछे फिर से महिंद्रा स्कॉर्पियो की गाड़ी है इंटरेस्टिंग लगता है ना स्कॉर्पियो नया वाला सेंट्रल अमेरिका में और साउथ अमेरिका में आप लोगों को जितने पता है कि महिंद्रा ने अच्छा बिजनेस किया है बाकी ट्यूनिशिया में दिखाता महिंद्रा का गाड़ी इधर भी दिखेगा सवा 2 बज गए कहाँ जाऊँ क्या दिखाऊँ आप लोगों को समझ में नहीं पा रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या दिखाऊँ कुछ दिखाने लायक है ही नहीं यहाँ पे इंडियन एम्बेसी भी नहीं है बेलीज़ में इंडियन एम्बेसी नहीं है बेलीज़ में है अपना इंडियन का कंसुलेट जो कि है क्रोजाल में जो पहला बॉर्डर सिटी है और बेलीज़ कंट्रोल होता है अपना आई थिंक मैक्सिकन एम्बेसी से
और ग्वाटेमाला में इंडियन एम्बेसी है, बाकी पूरे सेंट्रल अमेरिका में पनामा में, कोस्टारिका में है, बाकी बीच वाले कंट्रीज में नहीं है एम्बेसी। देखो ये कैपिटल कुछ भी, चलो देश है एक, क्या कर सकते हैं। तो भाई बेलीज में पान का सेवन होगा अभी, भाई खिला दो। ओके, मीठा पान खाओ भाई। मीठा पान, बहुत बहुत मजा आया, थैंक यू बहुत मच। मैं आऊंगा दो दिन बाद, जब जाऊंगा शादी में आशीर्वाद मिलते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। अभी शाम के 5 बज गए, बैग जाते हैं कॉफी शॉप के घर, पान खा लिया, मज़ा आ गया। इतना सुंदर ग्रेडियंट वाला सनसेट और एक अच्छा सा दिन ख़त्म होता है यहाँ पे बेल्मोपान में। और बेल्मोपान की कहानी ये भी हम लोग ख़त्म करते हैं। मैं अंदर चलाऊँगा अपने कैबिन में जंगल के अंदर, और फिर कल या फिर परसों में निकल जाऊँगा अपने बेलीज के आखिरी शहर, क्या नाम है उसका, सैन इग्नासियो। एनीवे आप बोलोगे यार ज़्यादा तुमने ज़्यादा बेलीजियंस दिखाए नहीं, क्या कर रहा है। बेलीज बहुत नया कंट्री है यार, मतलब बेलीजियंस भी उतने, ये भी जिनसे मिलाया जो इंडियन और नेपाली भाई, वो भी तो बेलीजियन ही है, 10-15 साल से रह रहे हैं, यहाँ का पासपोर्ट मिल गया, तो यही बेलीजियंस है, इनसे मिलाना था, इनसे मिला दिया। यही था बेल्मोपान, कैपिटल ऑफ दिस कंट्री। एंड टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग विद योर एक्सप्लोरर राजा।